उत्तराखंड में ऐसे कई मंदिर हैं जहां मनुष्य के द्वारा मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। आज हम आपको नैनीताल जिले के पदमपुरी में स्थित एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में पाषाण देवी का एक भव्य और सुंदर मंदिर है। ठंडी सड़क से लगी पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। पाषाण देवी को नैनीताल की सबसे प्राचीन देवी माना जाता है। जितनी पुरानी नैनीताल की झील है उतना ही पुराना माँ भगवती का स्वरूप भी माना गया है। इस मंदिर में माता भगवती की 9 पिंडियां अपने आप अवतरित होकर आई हैं। पहाड़ी में देवी माँ ने अपने 9 के 9 रूप पत्थर पर दिखाए हैं, इसलिए यह मंदिर पाषाण देवी के नाम से प्रसिद्ध है और 9 रूप होने की वजह से इन्हें नव दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है। देवी माँ के गर्दन से ऊपरी शरीर का हिस्सा, आंखें, कान, नाक प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं और गर्दन से नीचे का शरीर जैसे उनकी भुजाएं और पादुकाएं ताल के अंदर विराजमान है। देवी का यह रूप ताल के अंदर से अपने आप प्रकट हुआ था। पत्थर पर 8 रूप पिंडियों के हैं और 1 रूप मुख के रूप में प्रकट हुआ था। मंदिर के पुजारी जगदीश भट्ट ने बताया कि देवी माँ की यह एक प्राकृतिक मूर्ति है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ वस्त्र के रूप में सिंदूर चढ़ाने की मान्यता है। सुबह देवी को स्नान कराने के बाद सिंदूर का चोला वस्त्र के रूप में चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी माँ के आगे मन से की गई हर मुराद पूरी होती है। आज हम जा रहे हैं माँ पाषाण देवी के मंदिर में, माँ की महिमा के बारे में आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं माँ पाषाण देवी के मंदिर में। माँ पाषाण देवी का मंदिर जो नैनीताल की ठंडी सड़क में स्थित है और हम आपको माँ पाषाण देवी के दर्शन करा रहे हैं, जो कि अद्भुत और चमत्कारी मंदिर है नैनीताल का। यहाँ ये माना जाता है कि यहाँ अभिमंत्रित जल को भक्तजन ले जाते हैं और जो भी रोग पीड़ा होता है वो दूर हो जाती है इस जल से। और यहाँ